नमस्कार, स्पोर्ट्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर डीन जॉन्स का बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में निधन हो गया। उनके निधन से क्रिकेट वर्ल्ड हैरान है और दुखी है। उनकी उम्र 59 वर्ष थी। वह इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा सत्र को लेकर स्टार स्पोर्ट्स की कमेंट्री टीम से जुड़े थे और मुंबई में थे। रिपोर्ट्स की माने तो जब महान बल्लेबाज का निधन हुआ तो होटल में उनके साथ उस समय उन्हीं के देश के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रैटली थे। जब जॉन्स को दिल का दौरा पड़ा तो ब्रैटली ने उन्हें सीपीआर देकर उनकी जान बचाने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं रहे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और आईपीएल 2020 में कमेंट्री करने वाले डीन जॉन्स की मौत के बाद उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह स्टेडियम की सफाई करते हुए नजर आए। ट्विटर पर वायरल हो रहा है ये वीडियो पाकिस्तान सुपर लीग मैच के दौरान का है। मैच खत्म होने के बाद सभी लोग वापस चले जाते हैं लेकिन इस दौरान जॉन्स स्टेडियम के स्टाफ के साथ मिलकर सफाई करते हैं। इस वीडियो को 10,000 से ज्यादा लोगों ने देखा है और कई लोगों ने लाइक और रीट्वीट किया है। बार्सिलोना ने बुधवार को कहा कि उसने एटलेटिको मैड्रिड से उर्गेवे के स्ट्राइकर लुइस सुआरेज को ट्रांसफर करने का करार किया है जो 60 लाख यूरो राशि का है। सुआरेज ने बार्सिलोना के साथ 6 सफल सत्र खेले जिसमें उन्होंने 13 खिताब जीते। वह लियोनेल मेसी और सीजर रोड्रिगेज के बाद बार्सिलोना के तीसरे सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 198 गोल दागे हैं। भारत की अंकिता रैना फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में जापान की कुरिमी नारा के खिलाफ सीधे सेटों में हार के साथ फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट क्वालिफायर से बाहर हो गयी। भारत की शीर्ष एकल खिलाड़ी अंकिता को दूसरे दौर के मुकाबले में 1 घंटे और 21 मिनट में 3-6, 2-6 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अंकिता ने मैच के बाद कहा, मुकाबला बुरा नहीं था। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारत में अगले साल फरवरी मार्च में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप पर भी खतरा मंडराने लगा है। यह टूर्नामेंट पहले 2 से 21 नवंबर के बीच 5 स्थानों पर आयोजित किया जाना था पर महामारी के कारण बाद में इसका आयोजन अगले साल 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच करने का फैसला किया गया था पर महामारी के अब भी कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। फ्रांस के टेनिस खिलाड़ी बेनो पियर ने कहा है कि रविवार से शुरू होने वाले फ्रेंच ओपन में खेलने को लेकर पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते। हाल ही में उन्हें कोरोना संक्रमण हुआ था। उन्हें हैमबर्ग में 2 बार कोरोना पॉजिटिव पाया गया जिसके बाद उनका परीक्षण नेगेटिव आया। ऐसे में अगर उन्हें रोला ग्यारह में खेलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो वह अपना सत्र जल्दी समाप्त कर देंगे। भारत के गगनजीत भुल्लर 6 महीने से ज्यादा समय बाद खेल में वापसी को तैयार हैं और इस सप्ताह दुबई ड्यूटी फ्री आयरिश ओपन गोल्फ में भाग लेंगे। एशियाई टूर पर 9 बार और यूरोपीय टीम पर 1 बार के विजेता ने टूर पर पिछला टूर्नामेंट मार्च में मलेशिया ओपन खेला था। गगनजीत के अलावा आयरिश ओपन में शुभंकर शर्मा भी हिस्सा लेंगे जिन्होंने हीरो ओपन से खेल में वापसी की थी। कोरोना वायरस के कारण खेल गतिविधियां बंद होने के बाद से यूरोपीय टूर भी जून में ही शुरू हुआ था। 4 देशों की रग्बी चैंपियनशिप 7 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में शुरू हो रही है जिसमें 6 हफ्ते के दौरान 6 डबल हेडर मैच खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट के संचालन संस्था सांजार ने कहा है कि गैर ऑस्ट्रेलियाई सभी टीमों को न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड सरकारों द्वारा लगाए गए सभी स्वास्थ्य नियमों का पूरा पालन करना होगा। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टीम एफसी गोवा ने डिफेंडर मोहम्मद अली के साथ फिर से 2 साल के लिए करार करने की घोषणा की है। इस फुटबॉलर को 2017 में आईएसएल के खिलाड़ियों के ड्राफ्ट से चुना गया था। उन्होंने पिछले 3 सत्र में एफसी गोवा की तरफ से 24 मैच खेले थे। इन तीनों सत्र में गोवा की टीम प्लेऑफ में पहुंचने में सफल रही थी। करार बढ़ने के बाद अली ने कहा, क्लब के साथ पिछले 3 साल शानदार रहे। अंडर 17 विश्व कप टीम के कप्तान रहे अमरजीत सिंह ने कहा है कि आई लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में खेलने से उन्हें और टीम के साथ खिलाड़ियों को लाभ हुआ है, इसी कारण वह राष्ट्रीय टीम तक पहुंचे। अमरजीत ने कहा है कि आई लीग से उनके करियर को संवारने में सहायता मिली है। अमरजीत ने कहा, विश्व कप के बाद हमें एक टीम के तौर पर आगे सुधार करने के लिए आई लीग के तौर पर एक अच्छी सीढ़ी मिली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए ईएमएसटीवी के साथ। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी हॉल नंबर 8 चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स एमपी नगर जोन 1 भोपाल। फोन नंबर 7898128620।